नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अर्थ प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन दोस्तों, जहां मिलते हैं आपको जड़ से बने हुए मकान। दोस्तों इस बार रेडी कर दिया आपके लिए 65 गज में जड़ से बना हुआ विला दोस्तों, जिसमें जमीन और छत दोनों आपकी रहने वाली है। 65 गज में जड़ से बना हुआ डुप्लेक्स हाउस रहने वाला है दोस्तों। 65 गज में न्यू इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ का रहने वाला है दोस्तों। बात कर लेते हैं नियर मेट्रो स्टेशन की, तो नवादा और द्वारका मोड़ की कनेक्टिविटी आपको घर के बाहर से ही मिलने वाली दोस्तों। 65 गज में जड़ से बना हुआ तकरीबन 25 फीट के रोड पे हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। 25 फीट का आपको यहाँ पे वाइड रोड मिल जाता है, 65 गज में है दोस्तों। पहले तो एलिवेशन देखेंगे, एलिवेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग काफ़ी अच्छे लग्जरी इंटीरियर डिज़ाइन के साथ प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं दिल्ली, उत्तम नगर, मोहनगढ़ जैसी लोकेशन पर, उनके लिए रेडी कर दिया काफ़ी अच्छे साइज़ में विला दोस्तों। रोड की बात कर लेते हैं, तो रोड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 25 फीट का आपको रोड मिलने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड, समरसिबल, आईजल गैस पाइपलाइन एंड सीवरेज लाइन, सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलने वाली है दोस्तों। एमिनिटीज की बात करेंगे तो बच्चों के लिए प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल सारे नियर अबाउट मिलने वाले हैं दोस्तों। मेट्रो स्टेशन में आपको बता चुका हूँ, नियर अबाउट जो रहने वाला है वो हमारा नवादा एंड द्वारका मोड़ का रहने वाला है दोस्तों। 25 फीट का आप रोड देखेंगे तो काफ़ी बड़ा रहने वाला है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोनेबल प्रॉपर्टी है दोस्तों। 62.5 गज ऑन पेपर, और बाकी बात करें जगह की तो 65 गज में हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। 65 गज के दो डुप्लेक्स विला हम लोगों ने आपके लिए रेडी कर दिए, जिसमें से एक रेडी है जिसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपका इसका अंदर से ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं, इसका अंदर से हम लोग सिनेमेटिक। दोस्तों अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले कि ये प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, फाइनेंस करा के भी इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। 80-85% गवर्नमेंट LIC से भी इसमें आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इस वक्त खड़े हैं हम अपने पार्किंग एरिया में, ये हमारा पार्किंग एरिया मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ में आपको यहाँ पार्किंग मिल जाता है, बड़ी से बड़ी गाड़ी अपनी पार्किंग में आप खड़ी कर सकते हैं। ग्रेट नाइट वर्क पार्किंग एरिया में हमें अपने लगाए हुए हैं। पार्किंग में आप देखेंगे आपको पूरा ग्रेट नाइट वर्क मिल जाते हैं, और तकरीबन आप देखेंगे यहाँ पे 4-4 फुट तक हम लोगों ने दोनों साइड यहाँ पे पूरा टाइलिंग वर्क करके दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई विक्ट्रीफाइड आपको पूरा टाइलिंग वर्क देखने को मिल जाता है। टाइल वर्क पूरा हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है, प्लस यहाँ पे आपको प्रोफाइल लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। बात कर लेंगे सबसे पहले हम अपने गेट की, तो आप गेट देखेंगे दोस्तों, तो गेट आपको जो मिलने वाला है काफ़ी बड़ा, आपको काफ़ी मजबूत आपको यहाँ पे गेट मिलने वाला है। डबल शटर में आपको यहाँ गेट मिल जाता है दोस्तों, मिनी गेट भी मिल जाता है, जिस गेट से आप मिनी गेट से अपना अंदर बाहर एंट्रेंस कर सकते हैं। सेकंड गेट आपको यहाँ मिल जाता है जो छोटा है, जिससे आप अपना एंट्रेंस कर सकते हैं। पार्किंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा अपना रैंप बनाया हुआ है। रैंप आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको रैंप मिल जाता है, आप गाड़ी अपना ईजिली यहाँ से अंदर ला सकते हैं। रैंप पर आपको पूरा ग्रेनाइट वर्क देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे दो स्टेप देखने को मिल जाते हैं, दोनों स्टेप आपको मिल जाएंगे। ग्रेट नेटवर्क दोनों स्टेप पे लगाया हुआ है। गली यहाँ पे 25 फीट की मिल जाती है। BSES का इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपको फ्रंट पे ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया फैक्सिट्स के बारे में, दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन किया हुआ है, IGL गैस पाइप के कनेक्शन हम लोगों ने बाहर कर दिए हैं। आप जब भी आप यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, आप आते हैं तो अपना IGL गैस पाइप का कनेक्शन आप ले सकते हैं दोस्तों। समरसिबल लगा हुआ है एंड BSES फ्लेक्सी मीटर एंड यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है दोस्तों। डाउन साइड बात कर लेते हैं, छज्जे के नीचे जो डाउन साइड है उसमें हम देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। छज्जे में हम देखेंगे तो हमने पूरा टाइल वर्क किया हुआ है। फास्टनर्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं ताकि आपके फ्यूचर में टाइल वगैरह गिरे ना। लाइटिंग वर्क हम लोगों ने यहाँ पे पूरा किया हुआ है। यहाँ पे आपको हमारे दो विला मिलने वाले हैं, दोनों विला आपको यहाँ पे रेडी टू मूव मिलने वाले। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलने वाली दोस्तों। ये हमारा पूरा पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पूरा लाइटिंग वर्क देखने को मिल जाता है। कॉफ लाइट्स एंड LED लाइट्स वर्क आपको यहाँ पार्किंग एरिया में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पार्किंग एरिया में हम लोगों ने पूरा फैन वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है। काफ़ी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, लोनेबल एंड रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है। फिनांस करा के भी इस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं। साइट विजिट के लिए स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। स्टेयर के नीचे की बात कर लेंगे तो स्टेयर के नीचे हम लोगों ने समरसिबल एंड दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन पूरे यहाँ पे किए हुए हैं। सारे कनेक्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। पार्किंग में टाइल वर्क मिल जाता है, आपको पार्किंग में ही पूरा यहाँ पे सारा डिज़ाइन वर्क देखने को मिल जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो आगे तकरीबन 1 फुट ऊंचा, जैसे हम अपना ऊपर स्टेप चढ़ेंगे तो स्टेप से चढ़ते ही आपको यहाँ पे आपके मिल जाती हैं, फर्स्ट में आपके सबसे पहले स्टेयर मिल जाती हैं।
स्टेयर में का साइज देखेंगे तो स्टेयर का साइज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तकरीबन 3 फुट की आपको यहाँ स्टेयर देखने को मिल जाती हैं, और स्टेप रखते हैं तो स्टेप भी काफ़ी अच्छा इजीली यहाँ पे स्टेप रहने वाला है। ग्रेनाइट वर्क हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी रेलिंग की, तो रेलिंग आपको यहाँ जो मिलने वाली है, रेलिंग आप देखेंगे तो SS की आपको यहाँ रेलिंग देखने को मिल जाती है। शू से लेकर एंड तक जो हम लोगों ने यहाँ पे रेलिंग लगाई है सारी आपको यहाँ SS की देखने मिल जाती है। दोस्तों एक बार देख लेते हैं हम लोग अपने रूम, तो रूम में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने ड्राइंग रूम की। तो जैसे ही आप लोग अंदर एंट्रेंस करेंगे तो एंट्रेंस करते सबसे पहले मिल जाता है आपको ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आप देखेंगे ड्राइंग रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा मिल जाता है। नीचे 2x4 की फ्लोरिंग टाइल्स हम लोगों ने पूरे रूम के अंदर की हुई है। फ्रंट वॉल की बात कर लेते हैं तो फ्रंट वॉल आप देखेंगे, साथ वाली वॉल भी देखेंगे तो हम लोगों ने पूरे वॉलपेपर डिजाइन के साथ अपनी ये वॉल पूरी अच्छी रेडी की हुई है। अगर आप अपना एल कॉर्नर में भी सोफा सेट लगाते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आप अपना यहाँ पे सोफा सेट लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपके ड्राइंग रूम की लुक रहने वाली है। ऊपर बात करेंगे तो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वर्क यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। कॉप्स लाइट, LED लाइट्स येलो कलर्स में पूरा आपको फ्रंट पे ही देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपना फ्रंट पे सोफा सेट लगाते हैं तो सामने ही हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे आपके LCD पैनल रेडी कर दिया है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज में हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए LCD पैनल रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं लाइटिंग वर्क्स हम लोगों ने यहाँ पे पूरा फोकस लाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे लाइटिंग वर्क के साथ पूरा रेडी किया है। आप चाहें तो अपना एंटिक आइटम्स वगैरह यहाँ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। साइज की बात करें तो काफ़ी बड़े साइज का आपको यहाँ पे आपका LCD पैनल मिल जाता है, अपना LCD यहाँ लगा सकते हैं। वायरिंग हम लोगों ने अगर अपना डिश टीवी लगाना चाहते हैं तो वायरिंग हम लोगों ने पूरा अंडरग्राउंड इसमें यहाँ पे पूरी की हुई है। दोस्तों लाइटिंग वर्क हम बात करेंगे तो पीछे भी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा लाइटिंग वर्क किया हुआ है। आप अपना जब भी इसको लेंगे तो हम आपको पूरा रेडी करके देना, लाइटिंग वर्क पूरे हमारे LCD पैनल में रहने वाला है। LCD पैनल में ही आपको यहाँ पे 2 डोर मिल जाते हैं। आप अपना छोटा मोटा सामान रखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे साइज के आपको यहाँ फ्रंट पे डोर मिल जाते हैं। दोस्तों डोर देखेंगे तो काफ़ी बड़े मिल जाते हैं। और बात कर लेते हैं रूम के अंदर, अपने ड्राइंग रूम के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहने वाली क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे विंडो दे रखी है। आप देख सकते हैं बड़े से पोर्शन में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइज़ की विंडो मिल जाती है, और जो डोर रहने वाला है डोर अब तकरीबन हमारा 8 फीट का आपको यहाँ डोर देखने को मिल जाता है। 3x8 फीट का आपको डोर मिल जाता है, एंड साइज वाइज काफ़ी बड़ा मिल जाता है। हाइड्रोलिक आपको पूरे यहाँ पे आपके हैंडल्स एंड आपके लॉक्स वगैरह मिलने वाले हैं। इस रूम में भी हम लोगों ने पूरे AC की फिटिंग की हुई है। अगर आप अपना स्प्लिट AC लगाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट AC की पूरी फिटिंग की हुई है। आप अपना स्प्लिट AC इस रूम के अंदर अपना अपने ड्राइंग रूम के अंदर आप लगा सकते हैं। MCB बॉक्स हम लोगों ने सामने ही दे दिए, आप अपना यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। MCB बॉक्स आपको फ्रंट पे ही देखने को मिल जाते हैं। ड्राइंग रूम में से हम लोग थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया की हम लोग बात करें तो साइज वाइज देखेंगे काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे लॉबी एरिया मिलने वाला है, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है 65 गज हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, 65 गज में जड़ से बना हुआ है, काफ़ी अच्छे साइज वाइज है, तो आपको काफ़ी अच्छा ड्राइंग रूम आपको के साथ में ही आपको आपका लॉबी एरिया देखने को मिल जाता है। दोस्तों लॉबी एरिया के जस्ट सामने हम लोगों ने यहाँ पे पूरा आपके लिए फुल्ली मॉडुलर किचन रेडी कर दिया। दोस्तों किचन का साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे पूरा किचन का साइज मिलने वाला है। और हम लोग बात कर लेते हैं अपने डोर की, तो रोज गोल्ड में आप देख सकते हैं हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे आपके डोर्स वगैरह रेडी कर दिए हैं। दोस्तों मिरर है रोज गोल्ड में, काफ़ी अच्छे आपके यहाँ पे आपको डोर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हम लोग दिखाएं तो आप देखेंगे साइज वाइज काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और काफ़ी लुक वाइज भी अच्छे ये आपको यहाँ पे आपके डोर देखने को मिल जाते हैं। चिमनी वर्क हम लोग आपको पूरा करके देने वाले हैं, चिमनी हम लोग यहाँ पे आपको लगा के चिमनी पूरा यहाँ पे कनेक्ट करके देने वाले हैं। बात करेंगे अपने स्लैब की, तो स्लैब आप देख सकते हैं साइज वाइज काफ़ी अच्छा है। तकरीबन 2.5 फीट में आपको आपको चौड़ाई में आपका यहाँ पे आपका स्लैब मिल जाता है, और स्लैब के जस्ट सामने जो हम लोगों ने टाइलिंग वर्क किया हो तो टाइलिंग वर्क भी आपको काफ़ी अच्छे डिजाइन में यहाँ टाइलिंग वर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों होम अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह किचन में ही दे रखे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने हम लोग सिंक की, तो सिंक आप देख सकते हैं सिंक साइज वाइज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। टैप्स हम लोग इसमें जो आपको लगा के देने वाले हैं सारे टैप अच्छे क्वालिटी के हम लोग यहाँ आपको लगा के देने वाले हैं। अगर आप अपना RO लगाना चाहते हैं तो RO के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दे दिया प्लस टैप दे दिया, आप अपना अब किचन में RO भी लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने बास्केट्स की, तो बास्केट्स यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में आपको सारे बास्केट्स मिल जाते हैं। अगर आप अपना क्रॉकरी रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो बास्केट्स मिलने वाले हैं काफ़ी बड़े साइज़ के आपको यहाँ पूरे SS में बास्केट देखने को मिल जाते हैं। प्रोफाइल वर्क हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर आप इनको पकड़ते हैं तो आपको हैंडल की जगह हम लोगों ने यहाँ पे पूरे प्रोफाइल वर्क आपके लिए यहाँ दे रखे हैं। बास्केट्स आपके काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, आप अपना इसमें प्लेट्स वगैरह अपने क्रॉकरी वगैरह यहाँ
रख सकते हैं दोस्तों। किचन के अंदर ही आपको पूरा फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क देखने को मिल जाता है। डिजाइन वर्क हम लोगों ने पूरा रेडी किया हुआ है। अगर आप अपना समरसीबल चलाना चाहते हो तो समरसीबल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पावर स्विच दिए हुए हैं, आप अपना समरसीबल यहाँ से अपना ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा काफ़ी अच्छे साइज में आपको यहाँ पे आपका लॉबी एरिया मिल जाता है। किचन से हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो यहाँ मिल जाता है आपको आपका वॉशरूम दोस्तों। वॉशरूम के साइज की बात कर लें तो साइज काफ़ी अच्छा मिलने वाला, आप देख सकते हैं जो हमारा ये वॉशरूम रहने वाला है साइज वाइज काफ़ी अच्छा रहने वाला। और टाइल वर्क आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको जो टाइल वर्क मिलने वाला है दोस्तों काफ़ी अच्छे डिजाइन में आपको यहाँ टाइल वर्क मिल जाता है। आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे गोल्डन प्लेट्स वगैरह यहाँ पे पूरी यहाँ पे लगाई हुई हैं, गोल्डन प्लेट्स टाइल वर्क में लगाया ताकि हमारे वॉशरूम की दोस्तों खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ जाए दोस्तों। टाइल वर्क आप काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर आप अपना एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं वॉशरूम में, घुटन वगैरह होती है तो एग्जॉस्ट के लिए हम लोगों ने वहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। इसके वेंटिलेशन सारा इसका जो भी निकलने वाला बाहर निकलने वाला है। और इसमें हम लोग आपको जो लगा के देने वाले टैप सारे अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे दोस्तों। गीजर पॉइंट हम लोगों ने कर दिए, शावर्स के पॉइंट भी हम लोगों ने यहाँ पे सारे कर दिए हैं। गीजर, शावर्स पॉइंट और वेस्टर्न पॉट जैसा आप बोलेंगे, इंडियन वेस्टर्न पॉट बोलेंगे वैसा हम आपको यहाँ पे पूरा करके देने वाले हैं। डोर की बात कर लेंगे तो डोर यहाँ भी आपको पूरा वुडन वर्क में मिलने वाला है। डोर का साइज काफी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग के जो चौखट रहने वाली है, चौखट सारी वॉशरूम और रूम के अंदर हम लोगों ने यूज की हुई है, GI की चौखट यूज की है ताकि पानी और सीलन से गले ना दोस्तों। वॉशरूम से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दे रखा है जो कि हम लोग आपको पूरा वॉश बेसिन लगा के देने वाले हैं। वॉश बेसिन हम लोग यहाँ पे पूरा कनेक्ट कर देने, टैप वॉश बेसिन के हम लोगों ने नीचे दिए हुए हैं, आप नीचे चाहें तो अपना सामान वगैरह पूरा रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज में हम लोग आपको पूरा वॉश बेसिन यहाँ लगा के देने वाले दोस्तों। 62.5 गज ऑन पेपर 65 गज की हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली, जिसके अंदर आपको नीचे आपको पूरा 1 BHK मिलने वाला है और ऊपर आपको मिल जाता है पूरा 2 BHK। बात कर लेते हैं, 3 रूम मिल जाते हैं, 2 ड्राइंग रूम मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पे एक किचन और 2 वॉशरूम मिलने वाले विद कार पार्किंग के साथ दोस्तों। एक बार हम अपना अंदर का रूम देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप अपना फ्रिज वगैरह लगाना चाहते हैं तो लॉबी एरिया में काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है। पावर स्विच हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी है, आप अपना यहाँ पे बड़े से बड़ा फ्रिज यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों। लॉबी एरिया काफ़ी बड़ा मिल जाता है, ऊपर आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क भी देखने को मिल जाता है। LED लाइट, कॉप्स लाइट्स ब्लू कलर्स में यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम आ जाते हैं अपने रूम के अंदर। बैक साइड का जो रूम रहने वाला है काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेसियस आपको बैक साइड का रूम मिल जाता है दोस्तों। स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे बैक साइड का रूम मिलने वाला है, जिसमें हम लोगों ने फ्लोर टाइल की हुई है। आप देख सकते हैं 2x2 के नीचे आपको हाई विक्ट्री 5 फ्लोर टाइल्स देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको पूरा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वर्क देखने को मिल जाएगा। आप ऊपर डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक न्यू डिज़ाइन में फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वर्क मिल जाता है। LED लाइट्स, कॉप्स लाइट ब्लू कलर एंड पिंक कलर्स में आपको पूरी LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। प्लस फैन हमने अपने पूरे रूम के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं दोस्तों। सामने ही हमारी फ्रंट वॉल रहने वाली है, फ्रंट वॉल आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको जो वॉलपेपर का डिज़ाइन मिल जाते हैं, 3D वॉलपेपर का डिज़ाइन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ वॉलपेपर का डिज़ाइन वर्क मिल जाता है दोस्तों। अगर आप अपना स्पीड AC यहाँ लगाना चाहते हैं तो स्पीड AC की फिटिंग हम लोगों ने यहाँ कर दी है, वायरिंग ऊपर आउटडोर पर आपके कर दी है, आप अपना स्पीड AC यहाँ लगा सकते हैं। फ्रंट पे आपको यहाँ पे मिल जाता है LCD पैनल का स्पेस दोस्तों, काफ़ी बड़ा आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है, आप अपना LCD यहाँ लगा सकते हैं। देख सकते हैं स्पेस वाइज काफ़ी बड़ा रहने वाला। लाइटिंग वर्क इसमें हम आपको पूरा करके देने वाले हैं। साथ में ही आपको यहाँ पे 2 डोर मिल जाते हैं, आप अपना चाहें तो इसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। हाइड्रोलिक डोर मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपना LCD लगाते हैं तो अंडरग्राउंड हम लोगों ने यहाँ पे वायरिंग कर दी है DISH TV की, आपको वायरिंग बाहर से करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। इसी रूम के अंदर आपको मिल जाते हैं आपके अलमीरा दोस्तों। अलमीरा का साइज़ देखेंगे तो अलमीरा का साइज़ काफ़ी बड़ा मिलने वाला। अलमीरा के साइज़ के साथ ही आपको यहाँ पे बिग साइज़ में आपको यहाँ पे एक मिल जाता है, आप देखेंगे मिरर के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आपके लिए बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे मिरर के साथ ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर लें यहाँ पे डोर्स की तो यहाँ पे आपको नीचे 2 डोर मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं नीचे आपको 2 डोर मिल जाते हैं। और ऊपर भी हम लोग बात कर लें तो यहाँ भी आपको काफ़ी स्पेसियस देखने को मिल जाता है, आप अपना सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं। ऊपर भी स्पेस है, ऊपर भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ में आपको यहाँ अलमीरा मिल जाती है। अलमीरा में हम लोगों ने जो सनमाइका यूज़ किया दोस्तों काफ़ी अच्छे कलर में है, वाइट कलर एंड यहाँ पे आपको वुडन कलर में डिज़ाइन देखने को मिल जाता है आपकी अलमीरा के अंदर दोस्तों। रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 62.5 गज ऑन पेपर 65 गज जट से बना हुआ डुप्लेक्स विला रहने वाला है, जिसके अंदर आपको दोस्तों 3 रूम मिल जाते हैं, साथ में ही आपको 2 ड्राइंग रूम मिल जाते हैं,
दो इसमें आपको मॉडुलर किचन मिल जाते हैं और साथ में ही आपको मिल जाते हैं दो वॉशरूम दोस्तों, काफ़ी साइज़ में अच्छे रहने वाली है। नियर बाई मेट्रो स्टेशन यहाँ पे जो रहने वाला है नवादा और द्वारका मोड का रहने वाला है। मेट्रो कनेक्टिविटी आपको घर के बाहर ही मिलने वाली है दोस्तों। 25 फीट के रोड पे अगर आप भी सर्च करें ऐसी प्रॉपर्टी जो काफ़ी अच्छे चौड़े रोड पे हो, नियर बाय मेट्रो स्टेशन हो और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ हमारी प्रॉपर्टी हो, तो ये प्रॉपर्टी दोस्तों आपके लिए रहने वाली है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बैंक से भी इसमें आप लोन सुविधा ले सकते हैं दोस्तों। नीचे के पोर्शन में हमने अपना देख लिया पूरा गांव, अब हम चलते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर के पोर्शन में, देख लेते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर, एक बार चल लेते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों आगे हम अपना फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है, जो हमारी स्टेज है टेरिस एरिया के लिए हमारी ये स्टेज रहने वाली है। स्टेज आप देख सकते हैं साइज वाइज काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 3x3 फुट की यहाँ पे स्टेज मिल जाती है और स्टेप काफ़ी अच्छे रहने वाले, ग्रेट नाइट हम लोगों ने पूरे स्टेप पे यहाँ पे यूज़ किए हैं दोस्तों। रेलिंग की बात करेंगे, जो हमारी रेलिंग रहने वाली है एसएस की आपको रेलिंग मिल जाती है, शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग देखने को मिल जाती है दोस्तों। ये हम लोग का छोटा सा लॉबी एरिया मिल जाता है, लॉबी एरिया में पूरा आप लोगों हम लोगों ने यहाँ पे टाइल वर्क लगा के दिया हुआ, टाइल वर्क आपको स्टेज पे एंड लॉबी एरिया में आपको यहाँ पे टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। फ्रंट आप देखेंगे यहाँ पे सामने ही आपके फर्स्ट फ्लोर के एमसी बॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हम लोग यहाँ से अंदर एंट्रेंस करेंगे, एंट्रेंस करते ही आपको आपको यहाँ पे मिल जाता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में हम लोगों ने जो सिक्योरिटी पर्पज से गेट यूज़ किए हैं, आप गेट देख सकते हैं यहाँ पे वुडन वर्क में गेट मिल जाते हैं, 3x8 फुट के आपको वुडन वर्क में हाई ग्लोसी सनमाइका के साथ हमारे गेट रहने वाले हैं। गोल्डन कलर की हम लोगों ने यहाँ पे स्लिप लगाई हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लुक वाइज हमारा यहाँ पे डोर रहने वाला है। और हम लोग बात कर लेते हैं अपने लॉक की, जो हम लोगों ने यहाँ पे लॉक यूज़ किए हैं हाइड्रोलिक हमारे यहाँ पे लॉक मिल जाते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे साइज वाइज डोर हैं और लॉक काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ से अंदर निकलेंगे तो अंदर आते ही आपको आपका मिल जाता है ये डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम का साइज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। नीचे हम लोगों ने पूरी 2x4 की फ्लोरिंग टाइल्स यहाँ लगाई हुई है। फ्रंट हम लोग देख लेते हैं, तो फ्रंट पे हम लोगों ने जो वॉलपेपर्स यूज़ किए हैं तो आप देख सकते हैं एल शेप में हम लोगों ने यहाँ पे पूरा वॉल्स पे वॉलपेपर लगाया हुआ है। आप अपना एल शेप में यहाँ सोफा सेट लगा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे साइज वाइज है। अगर आप अपना यहाँ भी स्प्लिट एसी लगाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ भी स्प्लिट एसी की फिटिंग्स की हुई है दोस्तों। फ्रंट पे आप अपना सोफा सेट लगा सकते हैं। जस्ट सामने हम लोगों ने यहाँ पे भी एलसीडी पैनल बनाए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ भी साइज़ वाइज काफ़ी अच्छे आपको यहाँ एलसीडी पैनल्स देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ हम लोगों ने एंटिक आइटम रखने के लिए डोर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं आप अपना कोई भी सामान यहाँ रख सकते हैं। लाइटिंग वर्क हम लोगों ने यहाँ पे पूरा किया हुआ है, फोकस लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर आप अपना यहाँ पे एलसीडी लगाते हैं तो अंडरग्राउंड जैसे कि मैं बता चुका हूँ हम लोग यहाँ पे पूरी वायरिंग कर चुके हैं, आपकी डिश टीवी की आपको अपना डिश टीवी की वायरिंग करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको दो डोर मिल जाते हैं, आप अपना कुछ भी सामान यहाँ रख सकते हैं, आप देख सकते हैं दो डोर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, आप अपना सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती हैं, जो हमारा ये डाइनिंग रूम रहने वाला है, ड्राइंग रूम में ही आपको यहाँ विंडो मिल जाती है, घर में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहने वाली, दो दो विंडो है। आप अगर ना चाहें तो यहाँ अपना विंडो एसी भी लगा सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एमसी बॉक्स भी विंडो एसी के लिए यहाँ दे रखे हैं। हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो आप हमारा ये लॉबी एरिया देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ में आपको यहाँ लॉबी एरिया देखने को मिल जाता है। उससे पहले मैं दिखा दूँ यहाँ पे आपको पूरा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वर्क, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वर्क देखेंगे। न्यू डिज़ाइन में आपको यहाँ फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वर्क मिल जाता है, आप देखेंगे न्यू डिज़ाइन में रहने वाला लाइट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगाई गई हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है अच्छे लग्जरी इंटीरियर डिज़ाइन के साथ हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, जो कि हमारी 62.5 गज ऑन पेपर जेड से बना हुआ डुप्लेक्स विला रहने वाला है, 65 गज कारपेट एरिया रहने वाला है। फैंस हमारी सारी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने लॉबी एरिया में, तो लॉबी एरिया के हम लोग साइज़ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लॉबी एरिया का साइज़ काफ़ी बड़ा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आप अपना यहाँ भी चाहें तो अपना काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ रख सकते हैं दोस्तों। फ्रिज लगाने के लिए स्पेस आपको यहाँ सेम मिल जाता है, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड फिटिंग्स की हुई हैं, आप देख सकते हैं जो हमारे स्विच रहने वाले काफ़ी आपको मॉडुलर स्विच मिल जाते हैं, आप अपना फ्रिज वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। साथ में ही आपको न्यू डिज़ाइन में यहाँ भी फॉल सीलिंग के डिज़ाइन वर्क देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका फुल्ली मॉडुलर किचन दोस्तों। साइज़ वाइज काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे किचन मिलने वाला है। हम लोग बात करें तो जो हमारा स्लैब है एल शेप में रहने वाला है, एल शेप में आपको स्लैब मिल जाता है और साइज़ वाइज हम लोग बात करें तो तकरीबन 2.25 फुट का आपको यहाँ पे स्लैब देखने को मिल जाता है। सामने ही हम लोगों ने यहाँ पे जो टाइल वर्किंग किया हुआ है, टाइल वर्क आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे साइज़ में और डिज़ाइन में आपको यहाँ टाइल वर्क देखने को मिल जाता है दोस्तों। फुल्ली मॉडुलर आपका किचन रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे आपको चिमनी वर्क पूरा करके देने वाले हैं और हमारे जो डोर रहने वाले हैं सेम डोर आपको यहाँ मिल जाता है, रोज़ गोल्ड में आपको यहाँ पे डोर वगैरह मिल जाते हैं, आप देखेंगे तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। लाइटिंग वर्क हम भी आपको यहाँ पे पूरा
करके देने वाले हैं जो हमारे डोर हैं। साइज़ वाइज मैं आपको दिखाऊं तो सेम साइज़ आपको यहाँ मिलने वाला है, किचन में जो नीचे मिला था सेम साइज़ की आपकी किचन रहने वाली, काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है। आप अपना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं। नीचे हम लोग बात कर ले अपने बास्केट्स की, जहाँ आप अपना क्रॉकरी वगैरह रखना चाहते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ के आपको यहाँ बास्केट्स मिल जाते हैं। आप देखेंगे सेम प्रोफाइल वर्क हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, पकड़ने में जो हम लोगों ने हैंडल लगाए हुए हैं काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। SS के हमारे पूरे ये हमारे बास्केट्स मिलने वाले, स्टेनलेस स्टील्स के हमारे बास्केट्स हैं, काफ़ी मजबूत और काफ़ी आप अच्छे डिज़ाइन में आपको यहाँ बास्केट सारे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों सेम किचन रहने वाला है, अगर आप अपना RO लगाना चाहते हैं तो RO के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हम लोग आपको यहाँ पूरा पावर स्विचिंग करके देने वाले हैं, आप अपना पूरा RO लगा सकते हैं। टैब हमारा यहाँ रहने वाला है और जो हम लोग यहाँ पे टैब लगा के देंगे सारे अच्छे क्वालिटी के आपको यहाँ टैब लगा के देने वाले हैं। दोस्तों सिंक आपको सेम मिलने वाला है, सिंक का साइज़ सेम मिल जाता है जो कि हम लोगों ने नीचे दिया था। और हमारा जो किचन रहने वाला है इसमें भी आपको न्यू डिज़ाइन में फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों जैसे ही हम लोग यहाँ पे आगे आएंगे तो किचन के बाद जो आपको देखने को मिल जाता है वो हमारा वॉशरूम रहने वाला, लॉबी है काफ़ी बड़ा मिल जाता है। एक बार हम देख लेते हैं अपना वॉशरूम, वॉशरूम में हम लोग एंट्रेंस करेंगे तो सेम साइज़ में आपको वॉशरूम मिल जाता है। दोस्तों वॉल टू वॉल यहाँ पे पूरा हम लोगों ने टाइल वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको शू से लेकर एंड तक आपको हम लोगों ने यहाँ पे वॉशरूम में पूरा टाइल वर्क किया हुआ है। दोस्तों काफ़ी अच्छा टाइल वर्क आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। टाइल वर्क के साथ हम लोगों ने यहाँ पे गोल्डन स्लिप में एक प्लेट्स लगाई हुई है जिससे इसकी लुक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर आप इसको जैसा बोलेंगे वेस्टर्न या इंडियन पॉट्स हम आप इसको उसमें रेडी करके देने वाले हैं। टाइल वर्क के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने जो सेंटी फिटिंग्स करके देने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में यहाँ पे सेंटी फिटिंग्स आपको अच्छे क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। सारी टैप्स आपको अच्छे क्वालिटी की देखने को मिल जाएंगी। ये हमारे शावर्स के पॉइंट्स रहने वाले हैं, शावर्स हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर कनेक्ट कर दिए। अगर आप गीजर लगाना चाहते हैं तो गीजर के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। दोस्तों वॉशरूम के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो तो हम लोगों ने वहाँ पे एक एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट दे रखा है, आप चाहें तो अपना वहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकते हैं। गेट सेम आपको मिल जाता है, वुडन से गेट रहने वाले हैं और चौखट जो रहने वाली है वो हमारी DI की रहने वाली है। हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं तो वॉशरूम से आप बाहर आएंगे तो यहाँ भी हम लोग आपको पूरा वॉश बेसिन रेडी करके देने वाले हैं। यहाँ हम लोग आपको पूरा वॉश बेसिन करके देंगे, लगा के देंगे। टाइल वर्क बिल्कुल सामने ही फ्रंट पे आपको टाइल वर्क मिल जाता है और आप अपना सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो नीचे हम लोग आपको पूरा डोर सिस्टम रेडी करके देने वाले हैं। दोस्तों 65 गज जेट से बना हुआ डुप्लेक्स विला रहने वाला है, लोकेशन हमारी हर बार की तरह सेम उत्तम नगर माउंट गार्डन की लोकेशन रहने वाली है। नियर बाई मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ जो देखने को मिल जाता है वो नवादा का रहने वाला है। कनेक्टिविटी आपको घर के बाहर से ही मिलने वाली है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। दोस्तों छोटा सा डाउन पेमेंट देके इस प्रॉपर्टी को अपना लोनेबल करा सकते हैं, छोटा सा डाउन पेमेंट देके इस प्रॉपर्टी को आप अपना लोन वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे तो देख लेते हैं अपना बेडरूम। बेडरूम का साइज़ आपको काफ़ी बड़ा यहाँ भी मिलने वाला है। हम लोग बात कर लेते हैं अपने बेडरूम के साइज़ की तो मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको नीचे बेडरूम का साइज़ मिलने वाला है। फ्लोर टाइल्स सेम हम लोगों ने यहाँ यूज़ की हुई है, 2x4 की आपको हाई ग्लोसी विक्ट्री 5 टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ भी फ्रंट पे जो वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ भी नए डिज़ाइन में आपको वॉलपेपर के डिज़ाइन वर्क देखने को मिल जाते हैं। अच्छे डिज़ाइन के सारे वॉलपेपर्स हमारी पूरी प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। दोस्तों इस प्रॉपर्टी में आपको जो मिलने वाले दोस्तों 3 वॉशरूम मिल जाते हैं, 2 मॉडुलर किचन मिलने वाले हैं दोस्तों और साथ में आपको 3 रूम और 2 इसमें आपको मिल जाते हैं ड्राइंग रूम। हम लोग इसी के रूम के अंदर अगर अपना बेड लगाते हैं तो बेड लगाने के बाद आपको काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है। सामने ही आपको यहाँ हम लोगों ने LCD पैनल भी लगा कर दे रहे हैं। LCD पैनल आप देखेंगे यहाँ पे एक न्यू डिज़ाइन का आपको LCD पैनल मिल जाता है, आप अपना LCD यहाँ लगा सकते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, छोटा मोटा फिनिशिंग वर्क है जो कि हमारा अभी पूरा रेडी होने वाला है, हम आपको पूरा रेडी करके देने वाले हैं। यहाँ भी हम लोग आपको पूरा लाइटिंग वर्क करके देने वाले हैं। फोकस लाइट्स हम लोगों ने यहाँ लगा दी है, अभी हम लोगों ने इसको ऑन नहीं किया है। जैसे ही अपनी लाइटिंग वगैरह ऑन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ की जो लाइटिंग है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नीचे ही आपको 2 डोर मिल जाते हैं, 2 डोर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, आप अपना सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं। दोस्तों हमारे इस रूम के अंदर हम लोगों ने भी अलमीरा बना रखी है, यहाँ भी आपको अलमीरा देखने को मिल जाती है। सेम आपको यहाँ पे सनमाइका मिल जाता है। तो आप बात करें अपने अलमीरा की तो तकरीबन इसकी जो हम लोग विड्थ की बात करेंगे तो 4 फीट की आपको इसकी विड्थ मिल जाती है। हाइट की बात करेंगे तो तकरीबन 9 फीट की, 4x9 की आपको यहाँ अलमीरा देखने को मिल जाती है। साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए ड्रेसिंग टेबल्स भी यूज़ की हुई है, आप अपना सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं। आप देखेंगे तो ये ड्रेसिंग टेबल के साइज़ भी आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। ऊपर भी आपको डोर मिल जाता है और नीचे भी आपको 2 डोर मिल जाते हैं, अपना सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं। दोस्तों ऊपर के मैं आपको डोर दिखाऊं तो आप ऊपर के डोर देख सकते हैं, काफ़ी बड़े आपको ऊपर के डोर मिलने वाले हैं, आप अपना सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं।
नीचे की हम लोग यहाँ की अलमीरा की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसेस हमारी अलमीरा रहने वाली है। आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना सामान वगैरह अपने क्लोथ्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। दोस्तों इस रूम में आपको सुंदर डिज़ाइन में एक फोल सेलिंग का डिज़ाइन वर्क भी देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे स्क्वायर शेप में आपको यहाँ पे फोल सेलिंग का डिज़ाइन वर्क मिल जाता है। यहाँ भी हम लोगों ने सेम लाइट्स कॉक्स लाइट्स एडिडास यहाँ भी पूरा हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। फैन भी इस रूम के अंदर आपको इंस्टॉल मिल जाता है। दोस्तों फैन भी लगे हुए हैं हमारी सारी प्रॉपर्टी में। LCD पैनल्स भी हम लोगों ने सारे लगाए और अलमीरा भी आपको देखने को मिल जाती है। दो किचन है, दोनों किचन में आपको हम लोगों ने पूरे फुल्ली मॉडल बना के देखे। चिमनी वर्क हमें यहाँ पे को चिमनी वर्क भी हम आपको इसमें करके दे रहे हैं। दोस्तों काफ़ी बड़े साइज़ की हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, 62.5 गज की हमारी ये प्रॉपर्टी है। डुप्लेक्स विला हमारे 62.5 गज में रहने वाला। दोस्तों लोकेशन उत्तम नगर मोहन गार्डन की है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे 25 फीट के रोड पे हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो हम लोग आ जाते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको यहाँ पे रूम मिल जाता है। मैं रूम दिखाऊँ तो रूम आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। दोस्तों हमारे जो रूम का साइज़ रहने वाला है, हम लोग बात कर लेते हैं अपने रूम के साइज़ की, तो साइज़ आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिल जाता है। अगर आप अपना यहाँ पे डबल बेड लगाना चाहते हैं तो इजीली अपना डबल बेड लगा सकते हैं। देख सकते हैं साइज़ काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फ्लोर टाइल्स सेम हम लोगों ने यहाँ पे की हुई है, सेम डिज़ाइन में फ्लोर टाइल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। डबल बेड लगाने के बाद भी आपको काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर के डिज़ाइन भी इसी रूम के अंदर आपको न्यू अट्रैक्टिव डिज़ाइन में वॉलपेपर्स के डिज़ाइन भी देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे हम इस रूम में फॉल सीलिंग के डिज़ाइन वर्क की, तो आप इसमें भी देखेंगे तो अच्छे डिज़ाइन में आपको एक फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिल जाता है। हम लोगों ने जिस हिसाब से कलर किया उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कॉप्स लाइट्स एंड LED लाइट्स आपके फॉल सीलिंग डिज़ाइन वर्क में की हुई है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो दो डोर यूज़ किए हुए हैं, एक बालकनी के साइड में और एक इस साइड में जो डोर यूज़ किए, आप डोर देखेंगे तो साइज़ वाइज सेम आपको 8 फीट के मिल जाते हैं, चौड़ाई 4 फीट की मिल जाती है, तो काफ़ी बड़े आपको यहाँ डोर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस रूम में अपना विंडो AC लगाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा ये रूम रहने वाला है अपना बालकनी के साथ अटैच रहने वाला है, तो आप अपना यहाँ पे विंडो AC लगा सकते हैं। ऊपर का स्पेस हम लोगों ने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, अपना विंडो AC आप लगा सकते हैं। अगर विंडो कूलर भी लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो दो विंडो मिल जाती हैं, जो कि हम लोगों ने ग्लास वर्क के साथ कंप्लीट की हुई है। ग्लास वर्क प्लस आपको यहाँ MS देखने को मिल जाता है। ग्लास वर्क के साथ आपको यहाँ पे पूरा आयरन देखने को मिल जाता है। चौखट सारी हमारी यहाँ पे GI की चौखट मिलने वाली है, वुडन की चौखट नहीं रहने वाली। इस प्रॉपर्टी में जो चौखट मिलने वाली है आपको GI की मिलने वाली, जो कि पानी और सीलन से गलने वाली नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और प्राइस की इंक्वायरी करना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हम लोगों ने नंबर दिए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिग साइज़ का अपना वॉशरूम, जो कि हमारा बालकनी में मिलने वाला है। वॉशरूम एंड अपना बालकनी और साथ में हम लोग देख लेते हैं अपना यहाँ पे ग्रिल, जो हमारी SS की रहने वाली है। दोस्तों हम लोग जैसे ही अपना बालकनी में आएंगे तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं आपका वॉशरूम, जो कि हम लोगों ने सेकंड वॉशरूम बनाया, इंडियन पॉट के साथ वॉशरूम बनाया हुआ है। वॉल टू वॉल आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। इंडियन पॉट्स के साथ हमारा ये वॉशरूम रहने वाला, ये हमारा बालकनी के साथ अटैच रहने वाला। डोर यहाँ पे आपको सेम वुडन का डोर मिल जाता है, आप देख सकते हैं सेम आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में यहाँ वुडन का डोर मिलने वाला। दोस्तों बालकनी में स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आप देखेंगे आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला बालकनी में। और जो हमारे यहाँ पे ग्रिल रहने वाली है, SS की आपको ग्रिल मिल जाती है, स्टेनलेस हमारे यहाँ पे ग्रिल हम लोगों ने यूज़ की हुई है। दोस्तों जो हमारी ये बालकनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोगों ने जो टाइल वर्क किया हुआ है काफ़ी अच्छा टाइल वर्क मिल जाता है। और छज्जे के हम लोग डाउन साइड देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ भी आपके लिए पूरा यहाँ पे टाइलिंग वर्क किया हुआ है, टाइल वर्क हम लोगों ने पूरे छज्जे पे लगाया हुआ है। फास्टनर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं ताकि फ्यूचर में आपकी टाइल्स वगैरह यहाँ गिरे ना। अगर आप अपना यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक टैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैप दिया हुआ है, साथ में हम लोगों ने यहाँ पे पावर स्विच दिया है, आप चाहें तो अपना वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों 62.5 गज ऑन पेपर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी 65 गज से बना हमारा ये विला रहने वाला है। एक नहीं दो रहने वाले हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, हम आपको दो देने वाले। अगर आप दो लेना चाहते हैं तो दो इसमें आपको 65-65 गज के दोस्तों जड़ से बने हुए मकान मिलने वाले हैं। दोनों जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है, लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है। और नियर बाई मेट्रो स्टेशन की बात करें तो तकरीबन उसके डिस्टेंस की बात करें तो 800 से तकरीबन 900 मीटर के बीच में हमारा नियर बाई मेट्रो स्टेशन नवादा का रहने वाला है। दोस्तों साइट विजिट के लिए स्क्रीन पर नंबर दे रखें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। देख लेते हैं अपना हमारी टेरिस एरिया। दोस्तों आगे हम अपना टेरिस एरिया पे, ये हमारा टेरिस एरिया रहने वाला, काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे आपका टेरिस एरिया मिल जाता है। टेरिस पे आप देखेंगे
काफ़ी बड़े साइज़ का टेरिस एरिया, और यहाँ पे आपको नीचे फ्लोर टाइल्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई है दोस्तों। साथ में ही आपको यहाँ पे हम लोगों ने जो आपके दोनों रूम बैक साइड के दिखाए, तो दोनों रूम के आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड एसी की फिटिंग मिल जाती है। अब अपना यहाँ पे आप एसी अपना इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे निकलेंगे, जो हमने आपके अपर ग्राउंड और ग्राउंड के एसी की फिटिंग दिखाई थी, आप ड्राइंग रूम में रहने वाले उसके आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब अपना यहाँ पे अपना एसी की फिटिंग्स है, अपना एसी वगैरह लगा सकते हैं दोस्तों। 62 गज जड़ से बना हुआ हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, इंडिपेंडेंट विला रहने वाला है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन नवादा एंड द्वारका मोड़ के पास रहने वाला दोस्तों। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, लो लेवल प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में इसको 2 से 3 मंजिल बना तो आप बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है लेंटर वाली हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, पिलर वाली हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी में आपको 8 पिलर्स मिल जाते हैं, काफ़ी मजबूत यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पिलर आपको यहाँ मिल जाता है, सेकंड पिलर्स आपको यहाँ मिल जाता है, एंड थर्ड पिलर्स आपको आपके मुमटे के पास मिल जाता है, एंड फोर्थ पिलर आपको आपके आगे मिल जाता है दोस्तों। बात कर लेते हैं अपने टैंक की, तो हमारा जो टैंक रहने वाला है, आप टैंक देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे 800 लीटर का टैंक यूज़ किया हुआ है। 800 लीटर का आपको यहाँ टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा समर सिवल के साथ कनेक्ट रहने वाला है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी में आपको 8 से 10 पिलर मिलने वाले हैं, 10 पिलर्स पे ये प्रॉपर्टी है दोस्तों। काफ़ी मजबूत ये प्रॉपर्टी बनाई गई है, फ्यूचर में इसको अपने बजट के अकॉर्डिंग 2 से 3 मंजिल आप बना सकते हैं। 10 पिलर्स हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी में यूज़ किए हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं, तो यहाँ आपको प्लस मिल जाती है जो आपके टेरिस एरिया के लिए रहने वाली है। यहाँ पे आपको जो गेट मिलेगा, गेट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आयरन का MS का गेट मिल जाता है, काफ़ी मजबूत गेट रहने वाला है। पूरे आप स्टेयर में देखेंगे तो स्टेयर में आपको पूरा यहाँ पे गेट नेटवर्क हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, टाइलिंग वर्क यूज़ किया हुआ है। प्लस यहाँ पे जो रेलिंग है आपको पूरी SS की मिल जाती है, यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है, आप अपना इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो पावर स्विच हम लोगों ने यहाँ पे किए हुए हैं दोस्तों। और साथ में ही रूम के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है जिससे वेंटिलेशन पास होने वाली है दोस्तों। हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो मैं आपको आपके फ्रंट साइड का एरिया दिखा दूँ। यहाँ आपको फ्रंट साइड का एरिया मिल जाता है, यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। फ्रंट साइड के एरिया में भी आपकी जो यहाँ पे ग्रिल रहने वाली है, आपको ग्रिल मिल जाती है, SS की ग्रिल मिल जाती है दोस्तों। काफ़ी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, 65 गज जड़ से बना हुआ हमारा ये मकान रहने वाला है। आपको इसमें 2 विला मिलने वाले हैं, एक आपको यहाँ मिल जाता है, सेकंड आपको यहाँ मिल जाता है दोस्तों। आप चाहें तो किसी को भी अपना बुक करा सकते हैं। जो कि हमारा सेकेंड विला रहने वाला है उसकी इंट्रेंस आपको 2 साइड से मिलने वाली है, इसकी इंट्रेंस आपको 1 साइड से मिल जाती है, उसकी इंट्रेंस आपको 2 साइड से मिलने वाली है। वहाँ पे आपको एक नेक्स्ट गली भी देखने को मिल जाती है दोस्तों। 65 गज जड़ से बना हुआ न्यू इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला दोस्तों। साइट विजिट के लिए हम लोगों ने स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं दोस्तों, आप साइट विजिट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। प्राइस की इंक्वायरी करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।